पास हो गया है यूसीसी बिल और इसके साथ ही उत्तराखंड ने इतिहास भी रच दिया है। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोग किस कदर जश्न में डूबे हुए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सड़कों पर डांस भी हो रहा है। एक बात का और जोड़ दूं अमित, आपकी ढोल नगाड़े यहाँ पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जहाँ पर इस वक्त तमाम लोग आप यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे ही हुए हैं। साथ में यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो इस बात को लेकर खुश हैं कि यूसीसी बिल विधानसभा में आज पास हो गया है और उसी बात का जश्न ये लोग यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए हैं। हाथों में यहाँ पर जा रहा है अमित, इस बात का जश्न यहाँ पर कि यूसीसी बिल विधानसभा में पास हो गया है। और यह आप देखिए कैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर उत्साह में नजर आ रहे हैं, दूसरे पर फूल बरसाए यहाँ पर जा रहे हैं, जमकर जश्न यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यो में शर्मा का उनसे बातचीत करेंगे, जमकर यहाँ पर कुछ बरसा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हमारा समान नागरिकता संहिता का बिल पास हुआ है। आप सब बहनों को जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने की जो पहल धामी जी ने की है, ये जनता में उसका स्वागत है। आप हम धामी जी को और अपनी सरकार को बधाई देते हैं। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वादा किया था उसको पूरा करने का जोश है। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि जो वादा किया था हमने अपना वादा निभा दिया है। अनुपम जी, एक वाक्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम सवालों का जवाब दे दिया, बल्कि यूं कहें कि सवालों पर विराम लगा दिया। उनसे सवाल किया गया कि आरोप यह लग रहा है कि 2024 चुनाव से पहले आप इसको लेकर आ रहे हैं, आप यूसीसी के जरिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तुष्टीकरण नहीं है जी, यूसीसी तो संतुष्टीकरण है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। नियमित, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जब अब वो राज्य विधानसभा चुनाव में जा रहा था उस वक्त ये एक वादा किया गया था, तो अब जाके पूरा हो रहा है। और ये क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसी डेट के साथ ये कोइंसिडेंस हो रहा है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि राजनीतिक पार्टी हमेशा कोई भी निर्णय लेती है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि क्या इसका रिजल्ट मिलेगा वो उस पर भी नज़र रखती है। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो इस यूसीसी का जो एक बड़ा कदम उत्तराखंड से उठा है इसको बाकी राज्यों में भी लेके जाएगी और खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बीच में जाएगी इस बात को लेके जोर शोर से उठाएगी कि कैसे ये आपको फायदा देगा। जैसे हमने देखा जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, जब उसमें कानून बना तो कानून बनने के बाद एक बीजेपी का तमाम संगठन मुस्लिम महिलाओं के बीच में गए और ऐसा लगता भी है वोट परसेंटेज और ये सब रिजल्ट्स को देख के कि उसमें कुछ टर्नआउट मिला भी, बीजेपी को लाभ मिला भी। तो मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर एक मैसेज तो है ही है, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है, ठीक है। बाकी सारे बीजेपी रूल स्टेट के लिए, देश के लिए भी है। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश है, एक छोटे से राज्य से बड़ा संदेश गया। एक बार फिर से भारती के पास चलते हैं। भारती, वहां पर हम देख रहे हैं कि शायद आतिशबाजी भी हो रही है, लोग पुष्प वर्षा तो कर ही रहे हैं और ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि एक छोटे से राज्य ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया पूरे देश को कि अब सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को महिला की नजर से, पुरुष की नजर से या फिर किसी और नजर से देखने की बजाय सबको संविधान ने जो अधिकार दिया है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो रंगीन तस्वीरें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का माहौल यहाँ पर है, जो आतिशबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा तस्वीर हमें देखने को मिलती है दीपावली बग्वाल के समय में, ठीक वैसी ही तस्वीरें आज देखने को मिल रही है देहरादून की सड़कों पर, जब जगह जगह पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यहाँ पर मुस्लिम औरतें भी पहुंची हुई, मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई औरतें भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और वो भी जश्न मनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। वो भी इस बात को लेकर खुश है क्योंकि आज जब मैंने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई महिलाओं से बात की तो वो भी अमित यहाँ पर बेहद खुश नजर आई और वो चाहती है कि जो रूढ़िवादी सोच है उससे उन्हें आजादी मिले। इस बात को लेकर शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर कई महिलाएं भी पहुंची हुई है, उनसे हम बात कर लेते हैं। यास्मीन जी, कैसे देखती है आज यूसीसी बिल पास हो गया? बहुत खुश है हम लोग, शुक्रिया धामी जी। और अब ये फतवा की राजनीति हम लोगों की समाप्त होगी और ये जो हम लोगों के फैशन बनाया हुआ था शादियों का, चार शादियां करने की, वो भी हम लोगों का फैशन खत्म हो जाएगा। पुरुष जरा संभल के शादियां करें क्योंकि जो शादी करेगा सीधा जेल जाएगा दूसरी। इससे पहले ये होता था कि तलाक बहुत आसानी से दे दिया जाए।
जाता था। इसके अलावा इद्दत, हलाला, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, इसे कैसे देखें? बहुत रोक लगी है, 3 तलाक का जब से आया आप कोई आसानी से तलाक नहीं दे पाएगा और सोचेगा 10 बार सोचेगा, शादी करने के लिए भी सोचेगा कि मैं करूँ या ना करूँ, और तलाक सोचे देगा, तलाक मैं दूँ या ना दूँ। तो ये दहशत जो हो गई है मुसलमानों में, खासकर जो पहले जो क्रूर प्रथा थी हमारी, वो सब समाप्त कर दी है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं हम, धन्यवाद हामी जी, धन्यवाद आपका। जो हम लोग एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगी अमित, वो देखना भी ज्यादा जरूरी है कि लोग यहाँ पर कैसे खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये उमेश गुजर रहा है, तो सीएम साहब को यहाँ पर कैसे बधाई लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी अभी यहाँ से निकले हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे उनका स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार कोशिश भी करेंगे पुष्कर धामी, ये बधाई, ये उत्साह, ये जश्न बहुत स्वाभाविक है क्योंकि छोटे से राज्य ने बहुत बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर रचा है, एक इतिहास रचा है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड, आज बिल पास हो गया है, बहुत जल्द कानून की शक्ल लेके ये राज्य में लागू हो जाएगा और उसके बाद सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और सरकार का यह कहना है कि जो हमारा वादा था उस वादे को हमने निभाया है, हमने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है और ये किसी प्रकार का कोई तुष्टिकरण नहीं है। अगर कोई इसको चुनावी चश्मे से देख रहा है तो ये उसकी नजर हो सकती है। हमारे लिए हमारी प्राथमिकता यह है कि हमारे राज्य के हर नागरिक को एक समान अधिकार मिले। ये तस्वीरें देखिए आप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो इस वक्त अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड के किनारे जो तमाम लोग मौजूद हैं वो सीएम पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और सीएम भी सभी का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। भारती,